कब से बारिश हो रही है गाइस। और गाइस अभी बोलते ना लंच करके अपना जो व्रत है वो ओपन करके मैं वापस जाने के बाहर काम कर सकते हैं। बारिश हो रही है और जहाँ जाना मैं बाइक से जाना, कार पार्किंग अवेलेबल होती नहीं है, बाइक ले आना पड़ेगा। ठीक है, वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का। क्वेश्चन हमारे एक बज रहे सुबह के 6 और आज है मंडे गाइस। बाहर जो मौसम है फुल क्लाउडी, बारिश चल रही है, बारिश हो भी रही है थोड़ी बोले जिसमें, तो बस अभी चलते हैं गाइस जिम फटाफट वर्कआउट करते हैं और फिर अपनी। सो गाइस ये बज रहा है 8:30, ब्लॉग से करने वाला जिम से आया गाइस। और आज आपको पता है सावन स्टार्ट हो चुका है और सावन का जो है पहला सोमवार, तो मैंने सोचा कि ना मंडे जाके आया गाइस, तो निकल जाएगा जो फटाफट 8:30 बज रहा है। देखते हैं बाइक पे जाता हूँ मोटर ब्लॉग करूँगा या बाइक पे जाऊँगा मोटर ब्लॉग या फोटो में जो भी आपको पता चलेगा चलाऊंगा मंदिर, तो निकलते हैं बस थोड़ी देर मंदिर के लिए। पहुंच चुके हैं मंदिर, भीड़ गाइस नेक्स्ट लेवल है आज। अंदर मेन मंदिर के अंदर बहुत भीड़ है, यहाँ से व्यू भी बढ़िया। बस ये बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है, थोड़ी देर में फटाफट पूजा करके निकलते हैं। सो गाइस ये बज रहा है 10:30, तो आ चुके हैं घर गाइस। दर्शन नेक्स्ट लेवल, भीड़ जो थी मतलब क्या, निकलने में क्यों इतना लेट हुआ गाइस। पहले मैं निकल रहा था तो पापा बोले 5 मिनट रुक मैं भी आ रहा हूँ, तो 5 मिनट मतलब 10-15 मिनट आना चाहिए, पापा रेडी है। फिर मॉम बोलती 10 मिनट ना रुको मैं भी आता हूँ, सब रेडी हुए फिर भैया जिम से आए, मैंने बोला कि रुको सब जा रहे तो मैं भी आता हूँ, तो बोलते ना ऐसे कर कर के भी गाड़ी ले लेंगे, तो 10:30 बज गए। और हाँ गाइस आज अपना भी व्रत है गाइस, मैंने भी व्रत किया, तो हाँ प्लान ये है कि करीब 3-4 महीने पहले मार्च में, 3-4 ही होता है ना, हाँ 3-4 में पहले मार्च में मैं गया था आई डॉक्टर के पास, तो सोचा एक बार वापस चेकअप करवा के आ जाता हूँ। तो उसने बोला था कि उन्होंने बोला था कि 3-4 महीने बाद आ जाना, तो कोई नहीं चलते क्योंकि फटाफट अपना व्रत है, तो नंबर पूछना होता था और फिर आपको सुबह बोलते ना एकदम राइट टाइम में मैं कार में बैठी हुई। क्या है देखो जैसे बैठा ऐसे बारिश स्टार्ट हो गया और अपना आज बिल्कुल गीले नहीं, फिर थोड़ी लाइट बोलते ना बारिश स्टार्ट हो ही रही थी कि मैं अंदर बैठ गया, कोई नहीं चलो बड़े निकलते गए डॉक्टर के पास, पौने 11 हो रहा है, देखते कितने देर में पहुँचते। सुबह से ही बज रहा है 12, डॉक्टर को दिखा दिया, प्रिस्क्रिप्शन भी ले लिए गई, नॉर्मल ड्राइनेस रहती है आँख में वही बोला है गई और ड्रॉप्स दिए उसके लिए। चलते हैं अभी फटाफट निकलते हैं और आपको मिलते हैं घर पहुँच के। तो गाइस अभी बज रहा है 1:15, तो मैं घर आ गया था गाइस करीब 1.5 घंटे पहले, वहाँ पे बैठा था ब्लॉग एडिट नहीं अपलोड किया, अपलोड करना भूल गया था गाइस। और बारिश देखिए नेक्स्ट लेवल बारिश हो रही है, आप कब से बारिश हो रही है गाइस। और गाइस अभी बोलते ना लंच करके अपना जो व्रत है वो ओपन करके मैं वापस जाने गई बाहर काम से, सच्ची में बारिश हो रही है और जहाँ जाना मैं बाइक से जाना, कार पार्किंग अवेलेबल होती नहीं है, तो बाइक से जाना पड़ेगा। बस बारिश फूट जाए फिर निकल जाते भीगा होगा चले गए, बोलते ना निकलते निकलते भीगू नहीं वो बढ़िया, तो कोई नहीं उसके बाद मैंने आपको बोला था उसके बाद मैं जा रहा हूँ बाहर काम से, तो इतनी बारिश हो रही थी मतलब बाइक पे जाना था, वहाँ पे कार अवेलेबल कार पार्क अवेलेबल नहीं थी, तो फिर आए इतना थक गया आते नहा लिया और 2 बजे पहले गए में उठाऊँ और अपना व्रत चल गया, भूख लग गई थोड़ी लेकिन अभी क्या करे कर दूँ करना पड़ेगा, बस कई जिंदगी में पहली बार मैंने व्रत किया, कोई नहीं चलो बाहर जाए और आपको छोड़ दें। सो वैसे भी बज रहा है 11:15, टाइम है लोग यहीं पर एंड करने हैं गाइस, डिनर मतलब वो व्रत का बोलते हैं ना रात को, फ्रूट एंड मिल्क पी सकते हैं और खा सकते हैं गाइस, तो वही खाया और कोई नहीं गाइस। ऐसे भी समय आज का ब्लॉग शॉर्ट एंड स्वीट, अपडेट चला हो तो लाइक करना, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।